जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि ट्रेड मैंने लिया था लास्ट टाइम, आप लोगों ने देखा होगा 19200 का कॉल मैंने होल्ड किया था, तो वही मैंने होल्ड किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो उसमें एक बहुत डिसेंट प्रॉफिट आज चल रहा है सिंगल लॉट के हिसाब से, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। तो इस पे मेरी जो बाइंग प्राइस थी 101 थी, और मैं इससे जो लिमिट लगाऊंगा वो आज 202 पे लगाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा टारगेट मैंने आपको पहले भी कहा था डबल में लेके चलूंगा, या फिर 50% लॉस एसएल काटूंगा या 100% प्रॉफिट काटूंगा। तो 101 बाइक प्राइस थी, 202 का मैंने इसमें टारगेट लगा दिया है। अभी इस पे जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीब करीब 176-177 रुपये। तो देखते हैं मार्केट किस तरफ जाता है। वैसे मार्केट जो है आज थोड़ा सा बुलिश ही दिखाई पड़ रहा है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी करी थी कि मार्केट ने पहले भी ऐसे 2-3 दफा करा है, मार्केट गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद स्लो एंड स्टडी या तो ऊपर जाता है या फिर अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है। सेम कंसेप्ट आज दिखा, मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद जो मार्केट है वो थोड़ा सा वहां नीचे आया, जो कि कुछ नहीं था, सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, और उसके बाद मार्केट वापस से रिवर्स कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपना टारगेट सिंपल है, सेट है, देखते हैं मार्केट हमें आज हमारा टारगेट देता है या एसएल की तरफ ले जाता है। एसएल की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी जो है 80-90 पॉइंट उठ चुका है, तो जाएगा भी तो कोशिश करेंगे कि आप इसमें जो स्टॉप लॉस है वो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेंगे, जीरो पे नहीं लेके 50% लॉस पे नहीं लेके जाएंगे। अगर मार्केट यहां से पलटता है तो हम जो है इसको 101 के आसपास ही काट देंगे, ताकि हम जो है लॉस ना लेके जाएं। बाकी टारगेट हमारा फिक्स रहेगा, तो देखते हैं मार्केट किस तरफ आज लेके जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं सेंटीमेंट किस तरह का है, तो सेंटीमेंट भी मार्केट में पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स की कैंडल स्टिक भी जाके देखेंगे, अगर आप उसको डेली बेस पे या वीकली या इवन मंथली पे भी एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो दिवाली के आसपास का टाइम होता है उसमें मार्केट मोस्टली जो है वो उठता है, मार्केट ऊपर जाता है। अब उसमें लोग दिवाली में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, या पैसा ज़्यादा मार्केट में आता है, कुछ भी उसका एक्स वाई जेड रीज़न हो सकता है, बट मार्केट जो है वो चलता है पिछले आंकड़ों पे, करंट न्यूज़ पे, दोनों ही चीज़ें पे भी फिलहाल पॉजिटिव दिख रही है। इसराइल हमास की जो वॉर थी उसे लेकर भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ अब और ज़्यादा नहीं आ रही है। तो ऐसा मुझे यहाँ से लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम इसमें लालच नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये 200 के आसपास आ गया तो इसको लेके बैठ ही जाते हैं और 400 होगा, नहीं, जो हमारा टारगेट है वो रहेगा रहेगा, टारगेट के आसपास हम जाएंगे जाएंगे। तो अगर आप कैंडल्स भी देखोगे जाके चार्ट पे, तो अभी मैंने दिखाया था कि वहां पे बुलिश चल रहा है, यहाँ मेरा एक प्रॉफिट बुक हुआ दोस्तों। मैं भी आपको ये भी बताना चाहूंगा, मैंने साथ ही 19400 का कॉल भी लिया था स्कैल्प के पर्पज से, और टारगेट मेरा उसमें यही था कि 10-12 पॉइंट जो निकला है वो ले लेंगे, बट जैसे ही मुझे लगा कि मार्केट पलट रहा है, यहाँ से कैंडल रेड बना रहा है, तो मैं प्रॉफिट खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बुक कर लिया एक छोटा सा प्रॉफिट। और ये थे मेरे कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स। साथ ही चार्ट पे अगर देखेंगे तो पोलैंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट यहाँ से शायद ऊपर जाएगा।